नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से चाणक्य नीति के एक और ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन से कुछ खास काम करने से देवी लक्ष्मी स्वयं आपके पास चल कर आती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन ऐश्वर्य की देवी हैं। इनकी कृपा से ही व्यक्ति को अन्न वस्त्र और धन की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य की कामना रहती है कि उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, लेकिन माँ लक्ष्मी चंचला हैं। एक स्थान पर ठहरना उनका स्वभाव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि आप प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर करते हैं तो आपके घर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। दरअसल प्रातःकाल वातावरण में सकारात्मकता होती है, इसीलिए पढ़ाई या कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है। प्रातःकाल में माँ लक्ष्मी का पूजन और उपाय करने से उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और यदि आप रोजाना इसी प्रकार के धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियोस डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है तो घर में कलह के साथ धन हानि भी होने लगती है। नकारात्मक ऊर्जा आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालती है, तो वहीं घर में सकारात्मक ऊर्जा होने पर धन संबंधित परेशानी नहीं होती है और साथ ही घर के लोगों की तरक्की भी होती है। इसके लिए आप प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें तुलसी की पत्ती डालकर कुछ देर डालकर रखें। अब इस पानी को घर के सभी कोने में और मुख्य द्वार पर छिड़के। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, पहले के समय में प्रत्येक घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगा होता था, यह बहुत ही शुभ रहता है। अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखना चाहिए और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाते समय विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भावते वासुदेव का जाप करना चाहिए। इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होती है और आपके ऊपर विष्णु भगवान लक्ष्मी की कृपा रहती है, जिससे आपके घर में समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, प्रतिदिन सुबह उठकर अपने घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करने के बाद शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में देवी देवताओं का वास होता है और लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, प्रतिदिन जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। इसके लिए एक तांबे के लोटे में जल और लाल सिंदूर डालकर सूर्य को अर्पण कर दें। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी कार्य बनने लगते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह कार्य सुबह जल्दी उठकर कर लेना चाहिए। तो मित्रों, हमारा आज का ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियोस बस यहीं तक था। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।